हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन UIIC, NICL और NIACL के लिए जो रिक्रूटमेंट आ चुके गाइस, जिसके एग्जामिनेशन फरवरी में एक्सपेक्टेड है और कुछ एग्जामिनेशन जो है आपके अपकमिंग है, उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस सेक्शन में से टॉप 20 इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिस्कस करने वाले गाइस। आपके दोनों भी पोस्ट के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो चाहे वो असिस्टेंट की पोस्ट हो UIIC NICL के लिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म रहता है हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस ये सेक्शन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक मार्क्स से दो मार्क्स से जिनका सिलेक्शन छूट जाता है, जो कंप्यूटर अवेयरनेस को एंड डेज में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियरली उनको समझ में नहीं आती कि क्या चीज़ें पढ़े और क्या नहीं। इसलिए पूरा मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको ये सेशन प्रोवाइड करते चल रहा हूँ गाइस। सेशन को देखने से पहले, शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप कोचिफाई पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक, टू द पॉइंट और एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले इस सारे सेशंस के माध्यम से, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, ठीक है। साथ साथ बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये तीनों सेशन इंपॉर्टेंट टॉप 50, टॉप 20 और टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आपने सेट्स नहीं देखे होंगे तो अराउंड यही हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो भी आप इसको जाके वॉच कर सकते हो। ये सिर्फ NICL के लिए भी नहीं है, NIACL के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। तीनों भी सेशन के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो दिसंबर तक करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जनवरी कंप्लीट मंथ्स का सेम इसी तरीके से भी आपका जल्दी से जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उसकी भी आप चिंता नहीं करना होगा। इसके लिए अगर आपको ये कंप्लीट वॉच करना होगा तो यूट्यूब पे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, और अगर आपको ईबुक चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को जो है iOS के एप्लीकेशन के लिंक चाहिए होगी, तो ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 7741063663। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसकी एप्लीकेशन के लिंक जो है विद रजिस्ट्रेशन वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आपके आईफोन पे और आईपैड पे भी आप इसको जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन चाहिए होगी, ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हमारे करंट अफेयर्स के, जो बैंकिंग करंट अफेयर्स रहते हैं वो भी सेशन आपको सारे चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। सो बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते गाइस, और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये सिर्फ ना 20 क्वेश्चंस होते हुए मैं इसके साथ आपको एडिशनल काफ़ी सारा डेटा भी आपको प्रोवाइड करते चलता हूँ, सो दैट उसको भी आपको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। देखिएगा क्या कह रहे हैं, द बायस इज एन एब्रीवेशन ऑफ, ठीक है, बायस का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए, काफ़ी कबार ये सिंपल फुल फॉर्म ना पूछे जाते हैं आजकल IBPS वगैरह एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं, आपको एक एक लेटर का पूछता है, एस का क्या होगा, मीनिंग ओ का क्या होगा, आई का, बी का क्या होगा, इस तरीके से। तो जो बेसिक बायस का फुल फॉर्म होता है, होता है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये बायस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके बूट करने के लिए और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो अभी इसमें भी दो अलग अलग टाइप के बायस आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले हमारा होता था, ठीक है, UEFI, ठीक है, पहले हमारा होता था लेगेसी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में UEFI, ओके। तो आजकल जो नया बायस आ रहा है कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो अपने दोनों को भी बायस के आपको जो ये है ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। मेजरली ये जो UEFI का जो है ये भी आपको फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। तो ये आजकल नए पैटर्न्स में, नए लैपटॉप्स में वगैरह यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो दोनों भी जो आपको जो बायस के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है लेगेसी बायस, ये हमारा पुराने टाइप में जनरली यूज़ होता था, ठीक है, अभी नया आ चुका है वो है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। प्लीज़ इसके जो एब्रीवेशन के हर एक लेटर रहते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, ज़रूर एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्लियर हो चुका, बायस इज एन एब्रीवेशन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन काफ़ी कबार पूछा जाता है। हम लोग ट्राई करते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले कि आपको जो मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 90% क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट हो सके, ऐसे मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नाउडेज शॉप स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द QR कोड एंड UPI। तो यहाँ पे QR कोड और UPI का एब्रीवेशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको कराया गया, जो नया स्टूडेंट्स है उनको बताना चाहता हूँ। QR कोड का फुल फॉर्म होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स, और UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। ये होता है हमारे पास में QR कोड, ठीक है, स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिल सकता है, ये होता है हमारा QR कोड, ठीक है। QR कोड का फुल फॉर्म आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, नहीं तो UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप दोनों भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता। बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा।
अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेज द कंप्यूटर विद अ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। अब देखिए पावर आउटेज मतलब क्या होता है कि आपके घर पे अगर लाइन चली जाती है, हम लोग सीधी भाषा में बात करें तो, ठीक है, लाइन अगर चली जाती है तो हम लोग कहते हैं पावर आउटेज हो चुका है उस केस में, ठीक है। सर्ज प्रोटेक्शन मतलब क्या है, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड हमारे पास वोल्टेज आता है, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव 230 वोल्ट घर पे आता है, ठीक है, उसमें अगर हाई वोल्टेज सर्ज अगर आती है हमारे पास, ठीक है, उस केस में जो हमारा हायर पीक वोल्टेज है हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है, वोल्टेज सर्ज डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए सर्ज प्रोटेक्शन की भी हमें ज़रूरत रहती है। तो जो सर्ज प्रोटेक्शन हो गया, पावर बैकअप देना कुछ 10 से 15 मिनट के लिए, वो हमारा इसमें से कौन सा डिवाइस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी या फिर मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास में यूपीएस। एक छोटा सा टास्क देके चलता हूं आपको, यूपीएस का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से डिवाइस देखा ही होगा, ठीक है, ये पावर आउटेज के बाद एक 10 से 20 मिनट का हमें डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी साइज ये हमें एक बैकअप सोर्स प्रोवाइड करता है, सो दैट हमारा जो ऑनगोइंग वर्क है उसको हम लोग सेव करके उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम जब लाइन रिस्टोर होती है तब उसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अगर हमने पीसी को, जैसे पर्टिकुलरली हम लोग पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, डेस्कटॉप पीसी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास कोई भी पावर सोर्स अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, वो डायरेक्टली लाइन पर कनेक्टेड रहता है, ओके। तो जो डेस्कटॉप पीसीज है उसके लिए कोई भी पावर सोर्स ना होने के कारण अगर सिस्टम पावर आउटेज होता है तो हमारा पूरा जो डेटा है वो करप्ट भी हो सकता है या फिर हमारे पास हार्ड ड्राइव पे भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज प्रोटेक्शन देने के लिए जो हमारा डिवाइस यूज़ होता है वो होता है हमारे पास में यूपीएस। इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा गाइस, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फुल फॉर्म है, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी कबारे पूछा जा सकता है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कवर कराया था, आई होप इस क्वेश्चन को आपको देखते आंसर आप मार्कअप कर दोगे। देखिए क्या कह रहा है, अ डैश अपेयरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक, ठीक है, किसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन में से वो अगर एक कोई वेब पेज ओपन करता है या फिर कोई भी अनदर डॉक्यूमेंट ओपन करता है, ठीक है, यह हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई भी हमारे पास अनदर डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद ओपन होता है। आप देखिए हाइपर लिंक का बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारा ऑफिशियली जो हम लोग ऐप पे ऐप के ऊपर जब कोई ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं इसका एक यूज़र इंटरफेस है या फिर हम लोग कहेंगे कि फ्रंट पेज है इस बुक का। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्लिक ऑन द ईच इमेज टू डायरेक्टली वॉच द वीडियो, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, एक टच करोगे तो आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब के चैनल के ऊपर हमारे, ठीक है, सो दैट इस वीडियो को आप वॉच कर सको। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक करना, क्लियर है, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक, राइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है गाइस, ओके। तो ये होता है हाइपर लिंक जिसको हम लोग क्लिक करने के बाद एक वेब पेज ओपन होता है या फिर एक अनदर डॉक्यूमेंट भी ओपन हो सकता है, ठीक है। एंड हाइपर लिंक अपियरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, ठीक है, वेब पेज पे भी हो सकता है या फिर हम लोग कोई दूसरे इस पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे भी हो सकता है, पीडीएफ में खासकर आपको ये देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऐसा लिख के रहता है सबसे एंड में, जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं बैंकिंग की स्पेशली, आपने देखा होगा पूरा पीडीएफ के बाद यहाँ पे आपको होता है क्लिक हियर ऑन द ये, और उसका हाइपर लिंक का जो कलर होता है, ठीक है, वो जनरली आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है, वो जो हाइपर लिंक का जो टेक्स्ट का रहता है ना वो ब्लू कलर का रहता है स्पेशली जनरली, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कलर ऑफ रिसेंटली विजिटेड लिंक्स, ठीक है, रिसेंटली विजिटेड लिंक्स, आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सामने मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो कभी कभार एक फर्स्ट वेबसाइट विजिट करते हो, सेकंड विजिट करते हो, थर्ड विजिट करते हो, तो होता क्या है उस समय पे, ठीक है, जो आपने वेबसाइट विजिट करके रखी है ऑलरेडी, ठीक है, उसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट लिंक है, अगर आपने थर्ड लिंक विजिट करके रखी होगी, ओके यहाँ तक क्लियर हो चुका, जो रिसेंटली विजिट लिंक्स है उसका जो कलर चेंज हो जाता है वो हमारा पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, क्लियर हो चुका। और जो हमारे नए वेबसाइट्स रहते हैं जिसको हमने विजिट नहीं किया वो हमारे ब्लू कलर में रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। विजिटेड कहा तो ये आपका पर्पल रहेगा, अगर अनविजिटेड है तो ब्लू कलर इसका करेक्ट आंसर हो जाता था, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देखिएगा क्या कह रहा है, अनवांटेड मैसेजेस सेंड बाय ईमेल आर कॉल्ड, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द अनवांटेड मैसेजेस सेंड बाय ईमेल आर कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं स्पैम गाइस, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक स्पैम करके फोल्डर भी होता है, ठीक है, तो जो अनवांटेड मैसेजेस रहते हैं, रिपीटेटिव मैसेजेस रहते हैं, ठीक है, वो स्पैम फोल्डर में हमारे सेव हो जाते हैं, उसको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन न्यूज लेटर मालवेयर नहीं कहेंगे, ठीक है, काफी के बाद बेसिक जिसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू आईपी एड्रेसेस, क्या कह रहा है, इनमें से कौन ट्रांसलेट करता है इंटरनेट डोमेन को और होस्ट नेम को
टू द आईपी एड्रेसेस, ठीक है। मैंने कल आपको डीएचसीपी का भी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्रीवियस सेशन में, उसको भी आपको वॉच करना होगा, ठीक है। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डीएनएस। डीएनएस क्या करता है गाइस, डोमेन नेम सिस्टम, इट इज यूज टू ट्रांसलेट द इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू देयर आईपी एड्रेसेस। इट यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टू स्टोर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड एड्रेसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये टर्म आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि जो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और ये क्या करता है, ट्रांसलेट द इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू द आईपी एड्रेसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डैश इज द प्रोटोकॉल डिजाइन टू हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट, ठीक है। रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लाया जाता है, तो वो है हमारे पास में आरटीपी। आरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास में, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपको यूडीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने आपको, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी देखिए डेटाग्राम यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी के बार जो है फंडामेंटली छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको मिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी का पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आरटीपी का पता होना चाहिए, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है वन बाय वन, ध्यान दीजिएगा। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, यूडीपी एस अनरिलायबल कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन अप्लायंसेज वेयर एरर कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इतना आपको फंडामेंटली ध्यान में रखने की जरूरत नहीं रहता है। एग्जामिनेशन में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको अभी क्रॉस चेक करके चल रहा हूं, ठीक है। सो दैट आपको जो है डेटा जो है आपके माइंड में जो है वो प्रॉपर फिक्स हो, नॉट इन अ वे कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ के चला जाओ और वहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हो, ठीक है। जिस लेवल तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मत है उतने आपको प्रिपेयर करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में टीसीपी। TCP is a reliable connection oriented protocol that can be used in any application where reliability is important. FTP किसके लिए use किया जाता है, it is a standard protocol provided by TCP/IC protocol for copying a file from one host to another, ठीक है। ये उसके लिए use किया जाता है FTP, file transfer protocol, इसके नाम में ही लिखा गया है, ओके। देन आता है हमारे पास में RTP। RTP एक हमारा network protocol है for delivering audio and video over a आईपी नेटवर्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरटीपी किसके लिए यूज़ किया जाता है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बना तो ये न्यूमोनिक ध्यान में रखिएगा, ऑडियो और वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए आरटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो चुके गाइस, एफटीपी और आरटीपी का, ओके। एंड इट इज ऑल्सो डिजाइन टू हैंडल द रियल टाइम ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। आरटीपी जो है हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है जो डिजाइन किया गया टू हैंडल द रियल टाइम ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। क्लियर चुका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड काफी सारे स्टूडेंट ने इसमें गलतियां करके आ चुके, ऑल दो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल परपोर्टिंग टू बी फॉर्म रेपुटेबल कंपनीज इन ऑर्डर टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स टू रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज नोन एज डैश। क्या कह रहा है, द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, ठीक है, गलत प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज या फिर फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके कारण हम लोग ईमेल्स भेजते हैं, जो भी एक पर्सन की ईमेल भेजता है, अनऑथराइज ईमेल भेजता है, ठीक है, जो कि हमें खुद को बताता है कि वो एक रेप्यूटेबल कंपनीज है, ठीक है। सो दैट वो जो है इंडिविजुअल के जो पर्सनल पासवर्ड्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड हो गया, ठीक है, उसको वो गेन कर सके, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है, परपोर्टिंग टू बी फ्रॉम अ रेप्यूटेबल कंपनी, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं फिशिंग करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। आजकल फिशिंग आपने काफ़ी जबार ये सुना होगा ये वर्ड गाइस, ठीक है, कि जो फिशिंग हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी कबार आपको कंपनी के बैंक एम्प्लॉय होने का दिखावा करके आपसे काफ़ी उलझा के, काफ़ी एक प्रॉपर लैंग्वेज मैं आपको कहूँगा गाइस, कभी भी नेवर एवर शेयर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। कभी भी कोई भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड के नंबर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, लिमिट बढ़ाने के लिए नंबर्स पूछती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलेस एंड अंटिल अगर आप बैंक को कॉल ना करते हुए ऑफिशियल नंबर पर, ठीक है, तो ध्यान में देना जो 1800 से भी नंबर शुरू होते हैं ना, तो उससे भी कभी कॉल नहीं आता आजकल, ठीक है, आपको खुद से आपको कॉल करना रहता है। ये नंबर जो है सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं फिशिंग करना, ठीक है। एक बैंक एम्प्लॉय होने के, एक
हम लोग कहेंगे कि एक बैंक एम्प्लॉय ऐसा करके दिखा कि वो हमसे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स काफ़ी सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और हम भी बहकावे में आके काफ़ी कबार जो है उनकी बातें सुन के या फिर इस तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि हम लोग इसको शेयर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो याद दिखेगा चाहे कितना भी आपको पुलिस कंप्लेंट्स को लेके या फिर हम लोग कहेंगे कि किसी भी चीज़ की धमकी दी जा रही होगी, फिर भी आपको ये चीज़ें से परहेज रखना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग का अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करके थोड़ा सा आप सतर्क रहे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आजकल फिशिंग में देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्पूलिंग स्पूफिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, थ्रेडिंग, स्पाइंग, ठीक है, ऐसे सारे टर्म्स के आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर है हमारा फिशिंग, ठीक है। फिशिंग के अंदर क्या होता है ये स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि काफ़ी कबार स्पाइवेयर भी आंसर हो सकता है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो जो कंप्यूटर मलवेयर रहते हैं या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें से आपको हर एक टर्म क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। मलवेयर क्या है, ठीक है, रूट किट क्या होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ऐसे अलग अलग टर्म्स क्लियरली आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है, द एरर 400 इन अ इंटरनेट इज डैश, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफ़ी कबार जो है आपके पास कंप्यूटर में एक एरर आ जाता है अगर आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करना चाहते होते हो, ठीक है, कभी कभार जैसे एरर 400 आता है तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ फॉर अ बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एरर्स में आपको लिस्ट आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, जैसे 400 है बैड रिक्वेस्ट, 401 है अनऑथराइज्ड, 403 है फॉरबिडन, 404 है नॉट फाउंड, 408 है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, 500 है हमारा इंटरनल सर्वर एरर, 501 है हमारा नॉट इम्प्लीमेंटेड, 502 है सर्विस टेम्प्रेरली ओवरलोडेड, 503 है हमारा सर्विस अनरिलायबल। ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेनोगे, जिसमें से 404, 408, 400 और हमारे पास में 403, ये काफ़ी बार मैंने एग्जामिनेशन में देखा, इसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर देखिएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस काफ़ी बड़ा एक सिलेबस होता है जो हमें क्विकली कवर करना रहता है, ओके, जिससे कि आपके पास सिलेबस के पास कॉपी होगी, आपको पता ही होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से लेके मेमोरी ओएस हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टोपोलॉजीज हो गए, कंप्यूटर टोपोलॉजीज, इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटीज हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, डीबीएमएस है, एमएस ऑफिस है, एब्रिवेशन, फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टकट कीज़, तो ये सारे के सारे हमने क्विक वे में कंप्लीट सिलेबस को, ऐसा नहीं कि कंप्लीट कोई पॉइंट हमने छोड़ के, हमारे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स में हमने कवर किया गया। अगर आप चाहते हो कि आपकी 6 तारीख की, 13 तारीख की या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप एक्यूरेट एटलीस्ट 90% जो है, ठीक है, आउट ऑफ 100 एक्यूरेट अटेम्प्ट करके हो, ठीक है, विद अ वेल प्रिपरेशन, तो आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कीजिएगा, कि पूरे साल भर के वैलिडिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 50% डिस्काउंट में आपको ये 249 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए आपको एनरोल करने के लिए मिल रहा है। ये आपके अपकमिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इंक्लूडिंग RBI RRBs के एग्जामिनेशन के लिए, PO और ऑफिस असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए काम में आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड है speed50, इस कूपन कोड को यूज़ करके फ्लैट 50% ऑफ ले सकते हो। अभी तो आपके पास ये गूगल प्ले का एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है, आपको मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जिन एस्पिरेंट्स के पास एप्पल के डिवाइसेस है वो हमें एक नंबर देता हूँ आपको 7741063663, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस कोर्स को एनरोल करने के लिए, अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड है तो। उसकी भी चिंता नहीं करना है, हमारे पास दोनों एप्लीकेशन अवेलेबल है। क्लियर हो चुका, तो इसको जरूर एनरोल कीजिएगा गाइस। सिमिलर आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के लिए अगर आप कंप्लीट क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहता हो, ये आपके दोनों एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप इस कोर्स को, सुपर बैंकिंग कोर्स को, जिसमें क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तीनों भी सेक्शंस कवर्ड है, या आप सिर्फ 500 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हो विद बाय यूजिंग कूपन bank60। तो दोनों कूपन कोड को ध्यान रखिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर आप ये कोर्सेज ब्राउज कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स मैं कहूँगा अश्योरिटी के साथ और वेरीफाइड कोर्स है गाइस हमारा, जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। सो इसको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो, तो आपको अश्योरिटी के साथ भी कहता हूँ, आप 100% भी एक्यूरेट क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो। ECGC के एग्जामिनेशन में एक लास्ट बार एग्जामिनेशन हुई थी, ठीक है, उसमें आपको कहूँगा आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन एज इट इज़ हमने पढ़ाए हुए आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो हमने स्किप कर दिया था, कि जो सोच के कि हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के, वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ मिस हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ चुके, लेकिन ये भी हमने कवर करके रखा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके हुए भी। क्लियर है, जरूर एनरोल कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते गाइस, ठीक है। The extra space that is added to binding side of a page to ensure that the content are not obscured by binding is called as a dash in a Microsoft Word. आपने एक पेज देखा होगा, ठीक है, ये हमारा A4 साइज का पेज होता है, लेट्स कंसिडर दिस,
ओके तो काफ़ी कबार आपने जब टेक्स्ट लिखना शुरू करोगे तो यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू होता है, ये एक्चुअल साइज़ होती है। बट फंडामेंटल आपने देखा होगा काफ़ी कबार क्या होता है, ये जो राइट हैंड साइड की जो बॉर्डर होती है, ठीक है, इसकी यहाँ पे जो स्पेस रहती है कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड साइज़। ऐसा क्यों रहता है? इसको हम लोग कहते हैं गटर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था GUTTER, ठीक है। अगर आप इस कंप्यूटर इस पेज को प्रिंट करके स्पायरल करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके टेक्स्ट ओवरलैप ना हो, टेक्स्ट कट ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं गटर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बन चुका है काफ़ी कबार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ OSI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नाउ यू माइट हैव टू नो, अगर आपको हर एक लेटर का भी क्वेश्चन में पूछा गया कि वॉट इज आई स्टैंड फॉर इन OSI, ओके तो क्या कह रहा है, जैसे कि अगर आई का पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म, उसका जो एब्रिवेशन होता है हमारे पास में इंटरकनेक्शन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेड, ऐसे आपको ऑप्शन देके घुमा फिराया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स इजी क्वेश्चन में ही आपके सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जितना टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे आप इजी क्वेश्चन को, उतना ही आपको यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिल सकते हैं। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद आप अटेम्प्ट करके देखने की अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर द प्रोटोकॉल दैट आर इंक्लूडेड बाय द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल, ठीक है, TCP/IP मॉडल के द्वारा, ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल इंक्लूड किए गए इंटरनेट लेयर में, तो वो होते हैं हमारे पास UDP, ठीक है, UDP ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए TCP/IP मॉडल के जो लेयर्स होते हैं, पहला रहता है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट लेयर, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग लेयर्स के अंदर, ये एक बार थोड़ा गो थ्रू करके जाइएगा। अगर एक क्वेश्चन इसमें से आता है तो आपको ज़रूर इसमें से अच्छी तरीके से एक्यूरेटली क्वेश्चन मिल जाएगा। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको कहा कि यूनिक क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, OSI मॉडल में, ठीक है, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये क्वेश्चन कवर करा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। OSI मॉडल में सबसे बॉटम मोस्ट लेयर रहती है फिजिकल लेयर, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन हो चुका, लेकिन इसके साथ में आपको एक फंडामेंटली और अलग अलग क्वेश्चन के वैरायटीज कैसे बन सकती है वो देखिएगा। सबसे पहला अगर क्वेश्चन बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ OSI मॉडल में, ठीक है, सबसे पहले तो ये बनेगा कि OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, वो है हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक तो हमारे पास फुल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, OSI मॉडल में कितने लेयर्स रहते हैं, 7 लेयर रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि इसका सीक्वेंस, ठीक है, सबसे बॉटम मोस्ट में कौन सा रहेगा, फिजिकल, सबसे टॉप पे रहेगा एप्लीकेशन, ठीक है। फोर्थ रहेगा, ठीक है, कि इसके जो अंदर जो है कौन से लेयर्स के प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं, ठीक है, वो टेबल यहाँ पे चार्ट दिखा नहीं, बट आपको कोर्स के अंदर भी वो मिल जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहला रहता है फिजिकल, दूसरा रहता है डेटा, तीसरा रहता है नेटवर्क, फोर्थ रहता है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ रहता है सेशन, सिक्स्थ रहता है हमारे पास में प्रेजेंटेशन, एंड सेवन्थ एंड द टॉप मोस्ट जो रहता है एप्लीकेशन लेयर है। ओके, ये बात आपको सीक्वेंस के साथ ध्यान में रखने रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा बन सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किन दोनों के बीच में सैंडविच की जाती है, या फिर हमारे किन दोनों बीच के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर रहते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, नेटवर्क और डेटा लिंक और फिजिकल, प्रेजेंटेशन और सेशन, एप्लीकेशन और सेशन, ऐसे। तो काफ़ी एक बार कन्फ्यूजन यही आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो, तो इसलिए सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, क्लियर हो चुका, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर था, जो कि हमारी सबसे बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी है OSI मॉडल की, फिजिकल लेयर। ओके, सेशन को आप अभी तक देख रहे हो गाइस, अगर आपने अभी तक कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा, सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जिस तरीके से आपने प्रीवियस 2-3 सेशन को हमें रिस्पांस दिया है वो काफ़ी अप्रिशिएटेड है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कॉन्टेंट चाहिए तो प्लीज़ आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स में इक्वली एंटिसिपेट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DBMS, ठीक है, DBMS इज अ कंप्राइज ऑफ अ टेबल्स एंड दैट मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम कॉल्ड डैश, ठीक है। DBMS के अंदर टेबल्स और रोज रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, द रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम्स कॉल्ड डैश, ठीक है। तो रोज को कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम्स को कहते हैं फील्ड, तो दोनों क्वेश्चन को हमने अलग अलग सेपरेट ना करते हुए एक ही इसमें डाल के रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रो क्या होता है, वो होता है रिकॉर्ड, ठीक है, और कॉलम क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहे कॉलम, तो ये होता है हमारे पास में फील्ड,
ठीक है, ये होता है हमारे पास में फील्ड। ध्यान दीजिएगा डेटाबेस टेबल में हर एक टेबल की प्राइमरी की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है दैट रो ऑफ द टेबल। पार्ट नंबर इज द प्राइमरी की इन दिस एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट नंबर जो है, ठीक है, ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस रो को, ठीक है, पर्टिकुलरली, ठीक है। कॉलम जो है जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हर कॉलम में एक पर्टिकुलर डेटा टाइप रहता है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप है, ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट नंबर है, ठीक है। इधर कॉलम की बात होगी ना, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहे देखिएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। द की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड एज अ डैश, ठीक है। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी की को यूज़ किया जाता है, वो है हमारी फॉरेन की का, ठीक है। अब प्राइमरी की और फॉरेन की में काफ़ी बार बच्चों को दिक्कत जा सकती है, तो वो जरूर ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी की कंस्टेंट इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड एवरी रो इन द टेबल दैट द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट कैनॉट बी अ डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू शुड नॉट बी अपियर ऑन मोर देन वंस इन द टेबल। अब देखिए प्राइमरी की और फॉरेन की को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, हम लोग थोड़ा क्विकली जाते हुए इसको हम लोग स्किप आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी की और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल तक अगर पेपर जाता है तब ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर भी आपको ये प्रिपेयर करते चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ओके। प्राइमरी की और फॉरेन की का डिस्क्रिप्शन एक बार थोड़ा पढ़ के जाइएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्लियरली आपका अपियर वो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इट इज नोन एज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, इट इज अ कॉलम दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ओके। ये इतना ही आपको जो फंडामेंटल रहता है ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। इसके कारण जो है क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऑप्शंस को आप इलिमिनेट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। ये छोटे छोटे जो न्यूमोनिक्स होते हैं जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। Which are the following places the common data element from smallest to largest? तो smallest to largest में हम लोगों को sequence लगाना है, इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहला होता है हमारे पास में character guys, ठीक है, सबसे पहला रहता है हमारे पास में character, तो हमारे तीनों option में है, okay। दूसरे बाद रहते हैं हमारे पास में field, ठीक है, दूसरे बाद हमारा रहता है field, then field से बनता है record, record से बनती है file और file से बनता है हमारा database, इसलिए इसका correct answer आ जाता है हमारे पास option C। ये question काफ़ी important है, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, द बैंडविड्थ रेफर टू, हमने देखा होगा कि बैंडविड्थ ये टर्म काफी बार यूज करते हैं। तो बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी जनरली, ठीक है, लो और हाई बैंडविड्थ हम लोग उसको ये कहते हैं ना कि बैंडविड्थ कम है इंटरनेट की, बैंडविड्थ हाई है। इसी का मतलब क्या है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन मीडियम पे जो ट्रांसफर हो रहा है, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। अब देख सकते हो जैसे लो बैंडविड्थ है, ठीक है, तो जो हमारा डेटा फ्लोर है वो कम है, अगर हाई बैंडविड्थ है तो हमारा जो डेटा है वो हमारा हाई फ्लोर है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ, अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहे तो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द बायस ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट, ठीक है, बायस कहाँ स्टोर्ड होता है, मैंने बायस के बारे में क्वेश्चन भी आपको कवर करा है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही रह सकते हैं, मैंने जानबूझ के ऑप्शन देने की कोशिश की, ऐसा COMS, CMOS, ठीक है, MOSC, ठीक है, COMC, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा बायस, ये जो बायस कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, ये हमारे CMOS चिप में रहता है, CMOS, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, छोटा सा आपको टास्क दे रहा हूँ। अब जो बायस रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये बायस की चिप रहती है, ठीक है, इसको पावर करने के लिए CMOS बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंटिन्यूसली सिस्टम जब भी ऑफ भी रहता है, ठीक है, तो जो आपके डेट वगैरह हो गए, डेट टाइम वगैरह हो गया, वो आपको जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ करते समझ लो, ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर को फिर से ऑन करते तो तब डेटा एज इट इज सेट करके रहती है, ठीक है। अगर आप समझिएगा कंप्यूटर को ऑफ किया तो उसको पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये लिथियम बैटरी जो है छोटी सी CMOS बैटरी हम लोग कहते हैं, ये बायोस को हम लोगों को स्मॉल पावर देते रहते हैं कंटिन्यूसली, सो दैट वो डेट टाइम के जो फंक्शनलिटीज रहते हैं उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अगर आपने कभी प्रॉब्लम इनकाउंटर किया होगा कि अगर आप कंप्यूटर को डेस्कटॉप को ऑफ कर रहे हो लेकिन आपके डेट और जो टाइम है आपका चेंज होता जा रहा है हर बार, इसका मतलब है आपके जो बैटरी है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे लैपटॉप में भी रहता है और डेस्कटॉप पे आपको ये स्लॉट करके ऐसा अलग से रहता है मदरबोर्ड पे लगा हुआ, ओके।
तो जो BIOS सेटिंग्स है वो स्टोर की जाती है CMOS चिप में, ठीक है, जो मदरबोर्ड में एक छोटे से बैटरी के द्वारा पावर्ड अप किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अच्छा करते होगा इस, आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नए नए क्वेश्चन आपको यूनिकली समझ में भी आएंगे। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। हमारे चैनल कोचीफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो गाइस क्विकली। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। रिसेंट सेशन यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में।